हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिल्क के बारे में। वैसे हम सभी जानते हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है। मिल्क पोषक तत्वों से भरपूर एक तरल भोजन है और बच्चों के पोषण का प्राथमिक स्रोत है। मिल्क में प्रोटीन और लैक्टोज समेत कई अन्य पोषक तत्व होते हैं। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट सहित पोषक तत्वों का यह समृद्ध स्रोत है। उम्र से संबंधित मांसपेशियों के नुकसान को कम करने और व्यायाम के बाद मांसपेशियों की मरम्मत को बढ़ावा देने में यह मदद करता है। अपना वजन बढ़ने से रोकने के लिए अपने आहार में शुद्ध दूध शामिल कर सकते हैं। एक कप मिल्क में 149 कैलोरी, 8 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 8 ग्राम फैट शामिल होता है। पोषण की दृष्टि से दूध कई आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे कि फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी12, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, और यह प्रोटीन का तो उत्कृष्ट स्रोत है। यदि आप एक त्वरित संतुलित नाश्ते की तलाश में हैं, तो दूध की उच्च प्रोटीन सामग्री इसे एक अच्छा विकल्प बनाती है। आयुर्वेद के अनुसार वयस्कों के लिए दूध पीने का सही समय सोने से पहले का है और बच्चों के लिए सुबह का। बच्चों के लिए दूध बहुत ही गुणकारी है, खासकर जो बच्चे दिन भर सक्रिय रहते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। यह बच्चों के विकास के साथ साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देता है। इससे मिलने वाले कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन के मेल से दूध हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। दूध को सुबह के ब्रेकफास्ट में कई तरीके से आप शामिल कर सकते हो। इसे स्मूदी, कॉफ़ी या अपने सुबह के दलिया में मिला के भी आप ले सकते हैं। दूध एक संपूर्ण आहार है, साथ ही बहुत ही गुणकारी है। बट फ्रेंड्स, इसके साथ ही कुछ बातें याद रखनी काफ़ी ज़रूरी है। दूध में आयरन की डिफिशियंसी होने की वजह से बच्चों को इसके अलावा खाद्य पदार्थ में आयरन युक्त खुराक भी देना चाहिए। साथ ही कई लोग दूध और डेयरी उत्पादनों को पचाने में असमर्थ होते हैं, तो उन्हें इनका अच्छा विकल्प चूज करना चाहिए, जिससे कि सारे विटामिन्स की पूर्ति हो सके। और एक बात यह भी ध्यान रखनी चाहिए कि दूध के साथ कभी भी विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। और जब बहुत ही ज़्यादा बुखार होता है किसी व्यक्ति को, तो उस समय के लिए वो दूध को पचाने में असमर्थ होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।